हेलो गाइस, मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स फैलने की खबरें तो आपने सुन ही ली होगी। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। पहले तो इसके केसेस मेनली अफ्रीका से आए थे, लेकिन इस बार ये जो स्ट्रेन फैल रहा है इसके केस अफ्रीका के आसपास की कंट्रीज, यूरोप में स्वीडन और पाकिस्तान से भी रिपोर्ट हुए हैं। आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या? ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, मतलब जानवरों से जैसे मंकी, चूहे, गिलहरी से ये वायरस ट्रांसफर होता है इंसानों में, फिर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। पर्सन टू पर्सन कैसे स्प्रेड होता है? फ्लूड, बॉडी फ्लूड्स के थ्रू, जैसे सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया। दूसरा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तीसरा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। चौथा, ड्रॉपलेट्स, हम छींकते हैं तो दूसरा बंदा जब वो एयर इनहेल करता है तो फैलता है। इसके अलावा ये जो इन्फेक्टेड है उसकी यूज़ करी गई चीज़ों से भी फैल सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम 2 से 4 हफ्ते बाद आते हैं और 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, पूरी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं। दूसरा, फीवर आ सकता है। तीसरा, गले में खराश, बॉडी पेन, बैक एक, सर दर्द। इसके अलावा लिम्फ नोड्स, जो हमारी बॉडी में जगह जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें सूजन आ सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट खुद हो जाती है, रिकवरी खुद हो जाती है, क्योंकि ये वायरल इलनेस है। हमें सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देना होता है, जैसे कि अगर बंदे को पेट दर्द है या जहाँ भी दर्द है उसके लिए पेन किलर दे दिया, फ्रूट्स दे दिए, न्यूट्रिशन दे दिया। और अगर स्प्रेड की बात करें तो इसका जो स्प्रेड है वो कोरोना के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। तो वैक्सीन ऐसे मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को लगती है जिन्हें हाई रिस्क होता है, जो मंकी पॉक्स वाले लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं या जो एनिमल्स को हैंडल करते हैं। और लास्ट में आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, आप सब ने सुना होगा, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो हम सभी को बच के रहना है। आप कैसे बच सकते हैं? जिसको मंकी पॉक्स है उसके कांटेक्ट में ना आए, उससे दूर रहें, या फिर आपको मंकी पॉक्स जैसे सिम्टम्स आते हैं, कोई रैशेज आते हैं पूरी बॉडी पे, तो तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।